सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो फाइनली 2023 NS 200 अपने पास अवेलेबल हो चुकी है। प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, क्या कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्राइसिंग अब रहने वाली है अपडेट के बाद। सो 1.78 178,000 ऑन रोड जयपुर आप लोगों को बाइक कॉस्ट करने वाली है। NS 200 की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर ना अब चेंजेस मिलने वाले हैं। ब्रेकिंग में मेजर चेंज हुआ है, प्लस जो MID सेटअप है वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो चुका है, और ग्लॉसी ब्लैक वाला कलर थीम अब आप लोगों का अवेलेबल हो चुका है। टोटल दो ही कलर ऑप्शन में NS 200 अवेलेबल रहने वाली है, ये अपना ग्लॉसी ब्लैक। अभी अपने पास ना व्हाइट वाला कलर ऑप्शन NS 200 का भी अवेलेबल है, प्लस NS 160 में भी व्हाइट कलर ऑप्शन अवेलेबल है। तो सेम ही आप लोगों को मिलने वाला है NS 200 में भी, तो वो मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ बाइक, नहीं तो बाइक भाई बाद में अवेलेबल रहती है या नहीं रहती। तो ये रहा भाई अपना NS 200। इस बाइक में बैटरी भी है जो कि आगे चल के आप लोगों को एग्जॉस्ट नोड भी मिलने वाला है, और MID सेटअप भी इसी बाइक से सारा सेटअप मिलने वाला है। बैक टू ब्लैक आ जाते हैं, तो 1.78 में क्या कुछ अब आप लोगों को इस बाइक में मिलने वाला है उस सब के बारे में बात कर लेते हैं। वैल्यू फॉर मनी काफ़ी ज़्यादा ये बाइक अब हो जाती है, प्लस प्रैक्टिकल तो NS 200 हमेशा से ही साइड स्टैंड मिल जाता है, प्लस सेंटर स्टैंड भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। सीट हाइट भी ज़्यादा नहीं है, 805 mm की, 805 mm की टोटल सीट हाइट मिल जाती है। थोड़ा सा नॉइज़ का इशू रहेगा क्योंकि भाई मैं हूँ बजाज पे और यहाँ पर ना भी थोड़ा सा रश ज़्यादा है इसी की वजह से, तो थोड़ा सा उसको प्लीज़ आप कोऑपरेट करें। फ्रंट में बात करते हैं तो फ्रंट में लुक सेम ही रखा गया है, फ्रंट से भी, साइड प्रोफाइल से भी, रियर लुक भी सेम ही आप लोगों को इसी टाइप का ही NS 200 में भी मिल जाता है। कलर ऑप्शन में चेंज है, जो अपना ग्लॉसी ब्लैक एड ऑन हो जाता है, प्लस जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आगे वीडियो में मिलने वाली है वहाँ पर आप लोगों को अब अपडेट्स मिलने वाली है। लाइटिंग सेटअप कंप्लीट हैलोजन में ही अभी भी आप लोगों को मिलने वाला है। पायलट लैंप आप लोगों को यहाँ पर मिल ही जाते हैं पहले की तरह। फ्रंट में काउल देखने को मिल जाता है ग्लॉसी प्लस मैट फिनिश में, यहाँ पर आ जाता है अपना बजाज का लोगो। सेम उसी टाइप से इंडिकेटर का सेटअप भी है जैसे कि पहले भी आया करता था, पर यार अगर अपडेट आ ही रहा था तो यहाँ पर ना डोमिनर टाइप इंडिकेटर भी आ सकते थे, तो और ज़्यादा लुक इनहेंस हो जाता, प्लस लाइटिंग सेटअप भी LED में चेंज हो सकता था, तो वो ज़्यादा काफ़ी ना अच्छा एक सेटअप बन जाता। स्टिकरिंग का काम फ्रंट में भी मिलने वाला है इस टाइप से आप लोगों को। फ्रंट में नंबर प्लेट का सेटअप मिल जाता है, ये रहा अपना क्लच लीवर रबर कवरिंग के साथ। रियर व्यू मिरर का शेप सेम है जैसा कि पहले भी आया करता था, और ये रहा भाई आपका फ्रंट ब्रेक लीवर। ब्रेकिंग में काफ़ी ज़्यादा ना एक चेंज यहाँ पर अब आप लोगों को मिलने वाला है, जो एक सबसे ज़्यादा डिमांड रहती थी NS 200 में ड्यूल चैनल ABS की, वो अब यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। प्लस अपसाइड डाउन सस्पेंशन सेटअप भी फ्रंट में मिल जाता है, और उसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है, प्लस ट्रैवल भी काफ़ी अच्छा है। अपसाइड डाउन सस्पेंशन सेटअप मिल रहा है उसकी वजह से यहाँ पर मडगार्ड का जो शेप है वो भी चेंज हो चुका है, क्योंकि ये वाला एरिया कवर्ड होना चाहिए अपसाइड डाउन के साथ। प्लस सिल्वर फिनिश अपने को सस्पेंशन सेटअप पे भी मिलने वाली है, यही सस्पेंशन आप लोगों को NS 160 पे भी मिलने वाला है। स्टिकरिंग का काम आप लोग देख सकते हो पहले की तरह ही है, 200 का आप लोगों को मिल जाता है। साइड प्रोफाइल पे एक स्टिकर प्लस रेड का टच फ्रंट टू एंड आप लोगों को मिलेगा, प्लस अलॉयस पे भी रेड का टच देखने को मिलने वाला है। मेजर डिफरेंस वो है भाई ब्रेकिंग इस बाइक की, तो ग्रेविका की ब्रेकिंग आप लोगों को मिलने वाली है फ्रंट भी एंड रियर भी। फ्रंट डिस्क रहने वाला है अपना 300 mm का, और ये सेम सेटअप है जो आप लोगों को N160 में ऑलरेडी अवेलेबल हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग का सेटअप है। एक N160 का राइड रिव्यू भी आप लोगों के लिए ना बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो N160 ना मैंने काफ़ी अच्छा एक ना कह सकते हो लगभग 60 km के अराउंड राइड की थी, तो इस ब्रेकिंग सेटअप का ना काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला था, प्लस ड्यूल चैनल ABS का जो बाइट था वो भी काफ़ी अच्छा था। टायर सेटअप की बात करते हैं तो टायर सेटअप सेम है जैसा कि पहले भी आया करता था। 100 सेक्शन का फ्रंट है, 130 सेक्शन का आपका रियर रहने वाला है। इंजन का सारा सेटअप ग्लॉसी ब्लैक में ही है, प्लस रेडिएटर का साइज़ भी सेम है, और वही कूलेंट चेक विंडो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। टायर का सेटअप देख लेते हैं तो टायर का पैटर्न कुछ अपना इस टाइप का है, 100 सेक्शन का है टायर है, और अलॉयज का जो शेप है ये भी सेम पहले की तरह ही है, प्लस ग्लॉसी ग्रे स्टोन आप लोगों को अलॉयज पे अभी भी मिलने वाला है। अगर अलॉयज भी इसके ना ब्लैक ही रहते तो और ज़्यादा एक सेटअप ये ना बनने वाला था। साइड प्रोफाइल से बाइक देख लेते हैं तो लुक सेम आप लोगों को, जैसे कि मैंने बताया सेम ही लुक आप लोगों को मिलने वाले हैं। सीट हाइट की बात करते हैं, 805 mm, 805 mm की टोटल सीट हाइट रहने वाली है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी सेम है, 12 लीटर का फ्यूल टैंक आप लोगों को मिल जाता है, फाइबर में ही ये फ्यूल टैंक रहने वाला है। ये रहा भाई आपका फ्यूल कैप ग्लॉसी ब्लैक में ही, जो कि काफ़ी अच्छा ना इसमें मिक्स हो रहा है। इस टाइप से डार्क क्रोम में यहाँ पर आप लोगों को ना पल्सर का ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि काफ़ी पहले की कंपैरिजन में अब अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि ये ब्लैक के साथ ना काफ़ी अच्छा मिक्सअप हो जाता है। यह रहा एक अपना स्क्रैचेस से प्रोटेक्शन के लिए स्क्रैचेस से पैड, ये रहा भाई आपका सीट का सेट पैटर्न। सो स्प्लिट में सीट मिलने वाली है, पैटर्न काफ़ी अच्छा है, प्लस
कुशनिंग भी ना आप लोगों को काफ़ी सॉफ्ट मिल जाती है। NS 200 की ब्रांडिंग रियर फेयरिंग पे मिल जाती है। स्प्लिट में ही अपना ग्रे ब्रेल रहने वाला है और यहाँ पर भी ना रेड का टच मिलने वाला है पहले की तरह। अभी भी आप लोगों को ड्यूल में टायर हगर मिल जाता है कार्बन टच के साथ, प्लस ये वाला आप लोग रिमूव भी कर सकते हो। रियर रुक इस टाइप से कुछ आपका रहने वाला है। टिल्ट आईडी मिल जाता है जो कि अपन ने देख ही लिया है कि किस टाइप का पहले, मतलब सेम आप लोगों को पहले की तरह ही टिल्ट आईडी रहने वाला है। यहाँ पर नंबर प्लेट की प्लेसिंग आ जाती है। ये आपका रिफ्लेक्टर रेड वाला, ये रिफ्लेक्टर ऑरेंज वाला। यह आ जाता है भाई आपका इंडिकेटर सेटअप। टायर का पैटर्न कुछ आपका इस टाइप का रहने वाला है। 130 सेक्शन का ही रियर टायर रहने वाला है। और रियर डिस्क की बात करते हैं तो ये है आपका 230 mm का, 230 mm की रियर डिस्क है। ग्रेमिका की ही ब्रेकिंग रियर में भी मिलने वाली है। और रियर में वही मोनोस्ट्रोक सस्पेंशन सेटअप ही रहने वाला है, एंड्यूरेंस नाइट्रोक सीरीज का ही। अपोजिट साइड से देखते हैं तो चेन का सेटअप ओपन वाला है। स्पॉकेट का साइज काफ़ी इनफ साइज़ का आप लोगों को मिल जाता है। प्लस अंडर वैली एग्जॉस्ट आप लोगों को मिलना ही है NS 200 में भी, NS 160 में भी और NS 125 में भी। सो NS सीरीज में टोटल 3 बाइक्स अवेलेबल रहती है। इस टाइप से सिंगल हेड गियर लीवर आप लोगों को मिल जाता है और 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ बाइक आने वाली है। और ये रहा है आपका अपोजिट साइड से पूरा सेटअप। की होल मिल जाता है सीट ओपन करने के लिए। MID सेटअप देख लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे कि क्या कुछ आप लोगों को इसका एक बेनिफिट अब हो जाता है NS 200 के साथ। सो स्विचेस की बात कर लेते हैं पहले। तो स्विचेस में एक पास वाला स्विच आ जाता है, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर और हॉर्न आपका यहाँ पर मिल जाता है। राइट साइड पे किल स्विच है, प्लस आपका स्टार्टर है। बार एंड भी मिल जाते हैं मेटल में ही और ग्रिप कवर सेम पहले की तरह ही आप लोगों को मिलने वाले हैं। ये रहा भाई आपका की, कुछ इस टाइप का आप लोगों को की रहने वाला है। वेव वाला पैटर्न यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। इस बाइक में अपने पास ना अभी बैटरी अवेलेबल नहीं है, पर वाइट वाली जो बाइक अपने पास बाहर अवेलेबल है उसमें ना बैटरी पूरा अवेलेबल है। तो MID सेटअप प्लस एग्जॉस्ट नोट अपन सुनते हैं वाइट वाली बाइक में। तो इग्निशन के साथ रियर लाइटिंग सेटअप कुछ इस टाइप से ऑन रहने वाला है, जो अपना LED में स्प्लिट टेल लैंप आता है। और नंबर प्लेट वाला जो अपना बल्ब है ये भी अपना रहने वाला है हेलोजन में ही। तो कंप्लीट ओवरऑल लाइटिंग सेटअप अपना हेलोजन में आ जाता है। और फ्रंट हेडलैम्प का सेटअप कुछ इस टाइप से अपने जो पायरेट लैंप्स आते हैं ये आप लोगों को ऑन रहने वाला है। अब देख लेते हैं MID सेटअप। सो पहले देखते हैं MID का स्टार्टअप। सो ये रहने वाला है अपना MID का स्टार्टअप और सारी इन्फॉर्मेशन अपने को मिलेगी किल स्विच ऑन करने के बाद। तो यहाँ आ जाता है भाई जो लेटेस्ट अपडेट है NS 200 में, गियर इंडिकेटर, साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग आ जाती है, ये रहा क्लॉक, स्पीडोमीटर अपना डिजिटल में ही है, यहाँ पर अपना आ जाता है ऑडोमीटर। चेंज करके देखते हैं तो ये आ जाता है IEF यानी कि इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी और ऑडोमीटर और इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी। यहाँ से चेक करते हैं तो ट्रिप 1, दूसरे स्विच से आ जाता है ट्रिप 2 और DT डिस्टेंस टू MT भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है, जिससे कि बाइक का आप लोगों को एक एवरेज का आइडिया भी हो जाता है और बाइक में कितना फ्यूल अवेलेबल है उस फ्यूल में बाइक कितना आपको रेंज देगी, कितना किलोमीटर बाइक चलेगी, वो आप लोगों को मिलता है DT से। इस टाइप से RPM मीटर आप लोगों को मिलेगा एनालॉग में। सो कॉम्बिनेशन में अपना MID सेटअप है जैसा कि पहले भी था, वही शेप है, वही डिज़ाइन है, सिर्फ इसमें इन्फॉर्मेशन एड ऑन हो चुका है, यानी कि अब ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो चुका है। फ्यूल गेज अपना जाता है डिजिटल में ही, 12 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी रहने वाली है। यहाँ पर आप लोगों को सारी मिल जाती है वार्निंग लाइट्स, 2 स्विच मिल जाते हैं चेंजेस करने के लिए, क्लिप ऑन हैंडल बार है और जो स्विचेज हैं ये भी सारे इल्यूमिनेटेड पहले की तरह ही रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी आप लोगों को चेंज नहीं मिलने वाला। सोर्स नोट भी आप लोगों को सुना देते हैं। ये आपका हेलोजन का थ्रो, वही अंडर बेली एग्जॉस्ट अपने को यहाँ पर अभी भी मिलने वाला है और कुछ इस टाइप का आप लोगों को यहाँ पर ना एग्जॉस्ट नोट रहने वाला है। थोड़ा सा रेव कर लेते हैं क्योंकि शोरूम में है ना भाई, तो ज़्यादा रेव अपन नहीं कर पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो 199.5 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन आप लोगों को पर मिल जाता है 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। पावर की बात करते हैं तो 24.5 BHP का पीक पावर है और 18.7 NM का आप लोगों पर टॉर्क मिल जाता है। माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है NS 200 का वो रहने वाला है लगभग 35 के अराउंड, पर 35 से 40 के बीच में ना कहीं पर भी ये बाइक आप लोगों को इजीली दे के जा सकती है। और लगभग 42 के अराउंड भी ना इजीली ये बाइक एवरेज दे के जाएगी, काफ़ी रिफाइंड इंजन हो जाता है, 200 cc ही है। प्लस आपकी एक राइड क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि कितना आप लोग फ्यूल इकोनॉमी बाइक से निकाल सकते हैं। बाइक के जो टोटल वेट है वो है 158 kg और ग्राउंड क्लियरेंस जो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है इंजन काउल होने के बाद वो है 168 mm का। टॉप स्पीड जो कंपनी क्लेम करती है वो रहने वाली लगभग 136 किलोमीटर पर आवर की,
बाकी पर 145 148 तक भी ये बाइक इजीली जाती है, बल्कि उससे अबव भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। सो करते अपना ये वाला वीडियो एंड एन एस 200 2023 ब्लैक कलर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई बाइक के बारे में डिटेल आपकी रहती हो तो वो चीज़ भी आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। सो करते अपना ये वाला वीडियो एंड और मिलता है अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।